पैक कर दिया ना, खोलने में हो रही मेरी हालत खराब। ऐसे निकाल ही नहीं पा रही हूँ। निकल जा। तो इसके अंदर से निकला ये पसीना पसीना हो गया। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा एंड आई एम बैक विथ अनदर हॉल वीडियो। आज की हॉल वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट। तो जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि मैं आज कोई भी क्लोथिंग हॉल वीडियो शेयर करने वाली नहीं हूँ। आज की वीडियो होने वाली है डेकोर आइटम्स से रिलेटेड। तो मैंने इस बार मीशो से परचेज़ किए हैं बहुत सारे होम डेकोर आइटम जो मुझे बहुत ही अच्छे रिजनेबल रेट में रिसीव हुए हैं। तो अभी मैंने किसी भी पार्सल को ओपन नहीं किया है। गाइज, सभी पार्सल की अनबॉक्सिंग करूँगी मैं आपके सामने। टोटल 9 आइटम्स मैंने परचेस किए हैं मीशो से और प्राइस रेंज जो है 115 से शुरू होता है अंडर 1000 तक। तो देखते हैं मुझे ये आइटम्स कैसे रिसीव हुए हैं, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, मैं अपना फर्स्ट पार्सल ओपन करने जा रही हूँ। इसका प्राइस दिया हुआ है 184। देखते हैं इसमें मुझे क्या मिला है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पार्सल खोलने में बड़ा मज़ा आता है। फटाफट से खोल लेंगे। इसमें कुछ फ्लावर पॉट बताए। तो ये मैंने मंगाए थे बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से फ्लावर पॉट। तो टोटल 4 का सेट मुझे मिला था। MRP जो दी हुई है इसकी 184 रुपीज़ है। तो गाइज़, 184 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। जो पॉट का क्वालिटी है नीचे वो प्लास्टिक की है और अच्छी क्वालिटी की है, और इस तरीके से पूरी पत्तियाँ भी जो हैं वो बहुत ही अच्छी मुझे मिली हैं। तो ये मिला है, ये 2 पीस आप देख सकते हैं। सारे जो हैं लीव्स बने हैं तरह तरह के डिज़ाइन में, और बाकी है ये 2। तो टोटल 4 का सेट मुझे मिला है। वर्थ इट पीस है। 184 रुपीज़ में मुझे टोटल 4 पीस मिला है। छोटे छोटे से बहुत ही क्यूट आइटम है। तो मैं इसे थम्स अप दूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ही पर्सनली अच्छे लगे। 184 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट पीस। तो नेक्स्ट पीस है ये हमारा। इसका प्राइस दिया हुआ है 114 आई थिंक। सो यही सबसे कम दाम का मुझे रिसीव हुआ है पार्सल। तो मैंने मंगाई थी एक की होल्डर। तो देखते हैं कि मुझे ये कैसे मिली है। चलिए फटाफट से इसे खोल के देख लेते हैं। काफ़ी लाइट वेट है ये बॉक्स। तो ये है हमारा की होल्डर। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये ब्लैक कलर का था, वुड का मेंशन किया था, तो वही क्वालिटी मुझे मिली है। ये बहुत ही प्यारा सा की होल्डर मुझे मिला है। नीचे जो है ये सारे हुक बने हुए हैं, ये इस तरीके से जो है घूम जाते हैं हुक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 हुक्स मिले हैं। और इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये सारी लेडीज़ बनी हुई हैं डांस करती हुई। तो बहुत ही प्यारा लगा। और इसे टांगने के लिए 2 साइड में ये है जो है इस तरीके से छेद बना हुआ है, तो आप कील से आराम से इसे फिट कर सकते हैं। बैक आपकी इस तरीके से आएगी। तो ये वुड की क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। फ्रेंड्स, 114 रुपीज़ का मुझे ही मिला है। अभी मैंने इसका प्राइस चेक किया तो 105 के आसपास चल रहा है। तो ये भी मुझे बहुत ही प्यारा पीस लगा। आई थिंक जो आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा, इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ये पूरी लेडीज़ बनी हुई हैं। तो ये है हमारा सेकंड पीस। ये पीस भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसे मैं किसी भी वॉल पे टांगूंगी आराम से। आप इसमें नीचे कोई भी कीज़ वगैरह जो है होल्ड कर सकते हैं। तो ये वर्थ इट पीस है फ्रेंड्स, इसे भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पीस है हमारा ये छोटू सा बॉक्स। इसका प्राइस है 172 रुपीज़, और इसको बड़ा अच्छे से पैक किया हुआ है। देखते हैं इसमें मुझे क्या मिला है। जो है ना पूरी तरीके से बॉक्स में उन्होंने लपेट दिया है, तो इसे खोलना बड़ा मुश्किल हो गया। ये खुल गया। ओह, वो तो गाइज मैंने मंगाए थे छोटू से लैम्प। चलिए देखते हैं। तो मैंने 2 का सेट मंगाया था, बड़े क्यूट से मुझे लैम्प मिले हैं छोटे से। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो गाइज ये है मेरे 2 छोटू से लैम्प। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मुझे लैम्प रिसीव हुए हैं। इस तरीके से पूरा गोल्डन कलर से जो है इसमें कलर किया हुआ है लैम्प में, और बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे ये। क्वालिटी वाइज परफेक्ट है गाइज, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से आप इसे हुक में होल्ड कर सकते हैं, टांग सकते हैं, नहीं तो एज अ शो पीस भी आप इसे लगा सकते हैं। तो इसके नीचे लगाने के लिए मुझे 2 कैंडल्स भी मिली हैं। इस तरीके से वाइट कलर की 2 कैंडल्स मिली हैं। तो नीचे इसमें ये सिस्टम बना हुआ है, ये यहाँ से ओपन हो जाता है।
उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे अपनी एक कैंडल, और इसके बाद हम तो ये बंद हो गया है और अंदर हमारी कैंडल जो है वो जलती रहेगी। तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये पीस, वर्थ इट पीस है गाइज, इसे भी आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा पीस है ये। तो नेक्स्ट आइटम है ये हमारा 481 रुपीज़ का, तो ये बड़ा सा बॉक्स मुझे मिला है, चलिए इसे भी खोल के देख लेते हैं। तो इसके अंदर मुझे क्या मिला है, ये भी एक सो पीस है गाइज, और ये सो पीस तो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने इसे बुक कर लिया। काफ़ी ज़्यादा प्राइस थे सभी में, तो ये मुझे फाइनली जाके बड़े कम दाम में ये दो का सेट मिला था। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसको पैक करके दिया गया है, तो मैं फटाफट से आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आपको सच में सूफीज को देखकर प्यार हो जाएगा अगर मुझे वैसा ही रिसीव हुआ जैसा मुझे पिक्चर में दिखाया गया था। तो थोड़ा न्यू स्टाइल का ये सूफीज मुझे मिला, तो मैंने इसे फटाफट से जो है बुक कर लिया। ये पूरा जो है मैंने सैलो पीस से बांधा हुआ है। वाओ कितना ब्यूटीफुल है गाइस, ये बहुत ही सुंदर है। तो ये है एक पीस, और चलिए दूसरा पीस भी ओपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये पीस, तो ये भी मैंने दो का सेट मंगाया था, मेल और फीमेल दोनों साथ में जो है वो ढोलक और बाजे बजा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है गाइस, मस्ट बाय प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड है गाइस, बहुत ही प्यारा पीस है, आप इसे ज़रूर परचेस करिएगा। तो ये बहुत ही सुंदर क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, पैकेजिंग वगैरह बहुत ही अच्छी करके दी है इन्होंने। तो गाइस ये है ढोलक बजाते हुए महाशय, आप देख सकते हैं कितना कलरफुल जो है इनका पूरा गेटअप रखा गया है, ये सुंदर लग रहा है बहुत, नीचे और ऊपर जो ये ढोलक बनी है, और इस तरीके से इनके कानों में बालियाँ भी डली हुई हैं। तो ये बहुत ही प्यारा पीस है, बैक इसका इस तरीके से आएगा, और आई थिंक सो यहाँ पर कुछ आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम कैंडल वगैरह रखेंगे तो पता नहीं इसके धुएं से ये ख़राब ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की स्पेस बनी हुई है, पता नहीं क्यों बनी है। और साथ में ये मिली है लेडीज़ जो बजा रही हैं बाजा, तो इनका भी लहंगा आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है डिज़ाइन किया हुआ है, और ये रेड कलर की चोली पहनी है, और इनके बाल भी बने हैं, तो बहुत ही गज़ब का पीस है फ्रेंड्स। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा सो पीस लगा गाइस, बहुत सुंदर लगेगा, आप अपने घर में किसी भी कॉर्नर में इसे या फिर शेल्फ में रखेंगे। तो गाइस इस आइटम को ज़रूर 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 चेकआउट करिएगा, वर्थ बाइंग पीस है गाइस। तो गाइस चलिए अपना नेक्स्ट पीस ओपन करते हैं, इसमें इसका प्राइस दिया हुआ है 165 रुपीज़, तो देखते हैं इसमें मुझे क्या मिला है। तो ये बड़े अच्छे से पैक होकर आया है, इसमें क्या है, तो ये फोम में अच्छे से लपेट कर आया है। ओहो ये तो बहुत ही सुंदर है यार, गजब गाइस। मैंने एक बुद्धा जी मंगाए थे और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना सुंदर मुझे मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसकी लंबाई देखिए, कितना बड़ा मुझे बुद्धा जी रिसीव हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है गाइस, ये आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल से बुद्धा जी मुझे मिले हैं। और ये आई थिंक सो मुझे कितने में मिला है, 165 रुपीज़ में, तो गाइस वर्थ इट पीस है, बहुत ही गज़ब की क्वालिटी मिली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए कि ये कितने बड़े मुझे रिसीव हुए हैं, तो मैंने सोचा नहीं था कि ये सो पीस मुझे इतना बड़ा मिलेगा, तो 165 रुपीज़ में वर्थ इट पीस है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सो पीस है। तो आप देखिए कितने सुंदर बुद्धा जी बने हैं, फीचर्स वगैरह जो है कितना क्लियरली इन्होंने सब जो है बनाया है, ये पूरे ब्लैक कलर से बने हुए हैं, और इनका ये जो रेड कलर का टच दिया हुआ है ये बहुत ही सुंदर हाईलाइट करा है पूरे सो पीस को। तो बैक आएगी इसकी इस तरीके से, तो मुझे ये पीस पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा। आप अगर किसी को गिफ्ट वगैरह करना चाहते हैं तो इसे मस्ट बाय कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिला है गाइस। सबसे बड़ी बात यह है कि 160 रुपए में बहुत ही सुंदर सो पीस मुझे रिसीव हुआ है, तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ज़रूर इसे चेकआउट करिएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पीस, ये आई थिंक सो मैंने स्टोरेज के लिए कुछ मंगाया था वही मुझे मिला है, इसका प्राइस दिया हुआ है, तो आगे फ्रंट में मुझे इसका कोई प्राइस वगैरह नहीं लिखा हुआ मिला है, तो चलिए देख लेते हैं
साइड में मैं मेंशन कर दूंगी कि ये कितने का मुझे मिला है। तो हाँ, ये वही है, क्वालिटी बहुत ही गजब की है गाइस। तो ये मुझे 4 का सेट मिला है, नहीं सॉरी, ये 3 का सेट मिला है मुझे। तो मैंने अपनी साड़ियाँ वगैरह को रखने के लिए ए स्टोरेज वाला इस तरह से मंगवाया था। एक भी मैं पहले भी मंगवा चुकी हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये मुझे बहुत सही क्वालिटी में मिला है। और ये अच्छा खासा जो है बड़ा भी है, तो ये खुलेगा कहाँ से, इस तरीके से आएगी इसकी चेन। तो इस तरीके से ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी खासी अंदर स्पेस है। तो मैंने इन्हें मंगवाया है अपनी साड़ियों को रखने के लिए, क्योंकि मेरी साड़ियाँ जो हैं वो बहुत इधर उधर जो है ठीक से रखा नहीं पाती हैं। तो मैंने इस तरीके का स्टोरेज बॉक्स मंगवाया था, तो बहुत ही अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। इसके अंदर आप सामान रखिए और ये ईज़िली जो है इस तरीके से आप ज़िप को बंद करिए और ये बॉक्स आपका रेडी हो जाएगा। और आगे आपको इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मिलेगा, जिसे आप आराम से देख सकते हैं कि जब भी आपको कुछ निकालना हो तो कौन सा पीस निकालना है, वहाँ से आप इसे चेक करके अपना पीस निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा पीस मुझे मिला है, 3 का सेट मिला है। ये कलर भी बहुत ही प्यारा है, डिज़ाइन वगैरह सब सुपर्ब है गाइस। तो ये पीस भी मुझे बहुत ही बढ़िया रिसीव हुआ है। तो नेक्स्ट पीस मैंने मंगवाया है ये बहुत ही बड़ा सा बॉक्स। मैंने सोचा था इसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगी सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने जिस प्राइस में इसे मंगाया है उस हिसाब से मुझे ये कैसा रिसीव हुआ है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसे मंगाने के लिए, लेकिन इसका प्राइस जो है वो 1100-1200 के आसपास पहुँच रहा था, लेकिन फाइनली मुझे जो है ये 900 के आसपास मिला है गाइस। तो मैंने इसे तुरंत परचेस कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। तो इसे ओपन करते हैं फटाफट से। स्टैंड बहुत ही भारी है, भारी क्या कहूँ, गजब की क्वालिटी में रिसीव हुआ है, इसीलिए जो है ये मुझे थोड़ा भारी लग रहा है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा क्वालिटी वाइज। तो ये मुझे 900 के आसपास मिला है गाइस। तो क्वालिटी वाइज तो गजब लग रहा है। इस तरीके से मैंने मंगाए हैं 3 का सेट। तो इस तरीके से ये 3 सेट मुझे मिला है, एक और इसके अंदर मिला है मुझे ये 2। तो इस तरीके से जो है छोटा बड़ा करके मुझे 3 का सेट मिला है। क्वालिटी ऑसम है गाइस। और इसको रखने के लिए मुझे मिले हैं 3 स्टैंड। तो गाइस, स्टैंड की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ये भी इस तरीके से गोल्डन कलर में जो है कलर किया हुआ है। तो ये पीस मुझे भी बहुत ही गजब का लगा। साइड में अभी मैं पिक्चर पोस्ट करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा फुल ये जो है कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भारी है और मैं वीडियो में आपको इस तरह से पकड़ के नहीं दिखा सकती, सॉरी। तो अभी मैं साइड में पिक्चर पोस्ट करूँगी तो आप इसे देख लेना कि फुल जो है इस पर फ्लावर वगैरह रखने के बाद ये कैसा लगता है। तो ये पीस भी गाइस बहुत ही गजब का है, 900 के आसपास मुझे ये पीस मिला है। तो वर्थ इट पीस है, आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से करते हैं अपना नेक्स्ट पीस ओपन। इसकी MRP दी हुई है 369 रुपीज़। तो देखते हैं इसमें मुझे क्या मिला है। आई थिंक सो मुझे वो स्टैंड के ऊपर, आई थिंक सो ये स्टैंड के ऊपर रखने के लिए मैंने कुछ फ्लावर पॉट मंगाए थे बड़े वाले, तो लगता है कि मुझे वही मिला है। तो चलिए देख लेते हैं मुझे ये कैसा रिसीव हुआ है। निकल जा भाई। तो ये मुझे मिला है इसके साथ फ्लावर पॉट। तो ये सब कुछ अलग मिला है मुझे, ये है इसकी पत्तियाँ और ये है पॉट। तो ये बनी है इसकी डंडियाँ और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये पत्तियों को। तो ये पूरा जो है फुल रेडी हो जाएगा। तो साइड में मैं अभी आपको इसको पूरा लगा के दिखाऊंगी। क्वालिटी जो है प्लास्टिक के बहुत सही है और पत्तियाँ भी बड़ी ब्यूटीफुल सी बनी हुई हैं। तो चलिए मैं इसको फुल आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि ये मुझे कैसा मिला है। तो ये गाइज़, ये पीस भी मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि ये अंदर का जो ये जो अंदर बना रहता है जिस पर ये स्टिक रहते हैं पूरी प्लास्टिक, ये जो है एक तरह से बैठा हुआ नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। प्रॉपर मैं अभी आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि फुल ये जो है तैयार होने के बाद कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट पीस भी मैंने एक फ्लावर पॉट मंगाया है, ये भी बहुत मुझे
सेलो टेप से बंधा हुआ मिला है। इसका प्राइस बता देती हूँ, ये है 369 रुपीज़ का। तो चलिए इसे देख लेते हैं ये मुझे कैसा मिला है। जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था, तो देखते हैं कि मुझे ये वैसा ही मिला है कि नहीं। तो गैस ये देखिए मैंने क्या मंगाया है। तो चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। गज़ब की पैकेजिंग में आया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया से इन्होंने पैकिंग करी है। थोड़ी से खोल खोल मुझे अनबॉक्सिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है। तो इस तरीके से मुझे चार का सेट मिला है। तो इस तरीके से मुझे चार का ये सेट मिला है, बहुत ही बढ़िया मुझे रिसीव हुआ है। फिनिशिंग के साथ बिल्कुल काम किया है। तो मैं चारों उठा नहीं पा रही क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मुझसे टूट के गिर ना जाए। तो आई थिंक सो ये मिट्टी का पूरा बना हुआ है, तो ये दीवार पे लगने के बाद बड़ा सुंदर लगने वाला है। तो मुझे ये पीस बहुत ही प्यारा लगा। तो ये है हमारा लास्ट पीस गाइज, ये भी बहुत ही प्यारा पीस है। इसमें भी काफ़ी तरह की डिज़ाइंस बनी थी, लेकिन मुझे ये अफोर्डेबल रेंज में 369 रुपीज़ में 4 का सेट मिला था, तो मैंने ये वाला जो है परचेस किया है। तो इसे भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत ही नए स्टाइल में। पीछे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये पीछे जो है ये पूरा से खाली है और अंदर की तरफ जो है ये हुक बना हुआ है। तो आप इसे कील में जो है इस तरह से दीवार पे हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे रूम की हालत हो गई है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो ये रहा मेरा आज का डेकोर हॉल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें से आपको कौन सा डेकोर आइटम सबसे ज़्यादा प्यारा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी मैं साइड में मेंशन कर दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।